दिल्ली कैबिनेट ने जनलोकपाल के लिए मंजूरी दे दी है और अब उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही जनलोकपाल बिल जो है दिल्ली विधानसभा में पेश किया जाएगा। इसी बीच विपक्ष ने जो है आज सुबह एलजी के पास विपक्ष के नेता गए हैं और वहां पर क्या कुछ बात की है जानने के लिए हमारे साथ विजेंद्र गुप्ता जी मौजूद हैं, दिल्ली विधानसभा के नेता विपक्ष हैं। आप लोग आज एलजी साहब के पास गए थे, क्या बात करने गए थे? उपराज्यपाल महोदय को हमने स्थिति से अवगत कराया कि किस तरह से दिल्ली में कानून का उल्लंघन हो रहा है, संविधान का मखौल उड़ाया जा रहा है और 9 बिल ऐसे लाए जा रहे हैं जिस पर केंद्र सरकार से उसको वेट नहीं कराया गया है। केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के कानूनों में विरोधाभास पैदा किया जा रहा है। जानबूझकर 3 दिन पहले तक लोकपाल ना लाने की बात कर रहे थे, विपक्ष के दबाव में फिर अचानक लोकपाल लाने की बात कर रहे हैं और कल जब हमने विधानसभा में सवाल किए तो उसका जवाब नहीं दिया, कन्नी काट गए, बचने की कोशिश की, यानी कि सिर्फ जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। वास्तविकता ये है कि लोकपाल को जानबूझकर लाना नहीं चाहते, लागू नहीं करना चाहते, और अगर लोकपाल को लागू करना चाहते थे तो लोकायुक्त की नियुक्ति क्यों की है? 9 महीने तक आपने लोकपाल का एक बार भी नाम नहीं लिया, अब लोकायुक्त के अधिकार क्षेत्र क्या होंगे और लोकपाल के क्या होंगे, इसमें स्थिति स्पष्ट करें। नहीं तो जिस तरह से आप बता रहे हो कि आवश्यक औपचारिकताएं पूरी नहीं की गई हैं, तो क्या ऐसे में संभव है कि इसके बिना भी लोकपाल लागू हो जाए? देखिए संभव नहीं है, लेकिन ये जनता को गुमराह करते आए हैं और उसी तरह की स्थिति फिर पैदा करना चाहते हैं। सुना आपने विजेंद्र गुप्ता को जो सीधा आरोप लगा रहे हैं दिल्ली सरकार पर कि सरकार इस तरह का जो कृत्य कर रही है, जैसे कि अभी बोला गया है कि जल लोकपाल लाया जाएगा, इसके अलावा 8 और बिलों की बात की गई है, ये तमाम बातें जो हैं सरकार दिल्ली की जनता को गुमराह करने के लिए कर रही है, ये कहना है विपक्ष का। अब देखने वाली बात रहेगी कि आने वाले हफ्ते में क्या तस्वीर सामने आती है। कैमरामैन अहमद के साथ अभिनव उपाध्याय, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, दिल्ली।